अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी पॉजिटिव फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले दुकान में आपसे रिक्वेस्ट होती है, इरावा के चैनल पर नहीं है और आपने अभी तक इरावा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कान ले जल्दी से जाए इरावा के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी मैं अभी बनाने लगी हूँ कीमे का सैंडविच, तो वो बनाती हूँ क्योंकि आज हमने हांडी शांडी कोई नहीं पकानी और जो पड़ी हुई है उसको भी ख़त्म करना है क्योंकि बच्चों ने खाना KFC। तो अभी वो स्कूल से आके अपना स्नैक्स वगैरह लेके चले गए हैं तो मैं बनाने लगी हूँ सैंडविच। ये दो तरह की ब्रेड्स हैं, ये वाली टोस्टी जो है ना, इसको ये टोस्ट और एग ब्रेड के साथ अच्छी लगती है, ये वाली भी अच्छी है लेकिन ये मैं अक्सर सैंडविचेस के लिए लेके आती हूँ क्योंकि ये थोड़ी मोटी होती है और इसका सैंडविच बहुत अच्छा बनता है। तो इससे सैंडविच बनाती हूँ, दोनों ब्रेडों को फिर ब्रेड बिन में रख दूंगी क्योंकि लाखों तक नहीं बांध लोना, चलो बाद में कर लूंगी। तो इसके अंदर सबसे पहले साइड्स पे बटन लगाऊंगी, अंदर नहीं लगाऊंगी, फिर ये जुड़ेगा नहीं। जो साइड्स बाहर आनी है ना उन पे मैं हल्का हल्का बटन लगाऊंगी। आपके पास चिकन बचा हुआ हो घर में या कीमा पका हुआ बचा हुआ हो घर में, तो अगर तो मेरे पास वो भी है, पनीनी प्रेस भी है और सैंडविच मेकर भी है लेकिन मैं उसमें नहीं बनाऊंगी। मुझे ये पैन में बहुत क्रिस्पी वाला बहुत अच्छा लगता है, इस तरह ग्रिल पैन में बना के खाना। बच्चे उसमें रख लेते हैं पनीनी प्रेसर में, या असल में मेरा पनीनी प्रेसर भी थोड़ा आजकल ना नखरे खा रहा है, वो भी चेंज कर रहा हूँ, किसी दिन करूँगी। तो ये मैंने आउटसाइड वाली जो इसकी ब्रेड की है ना उस पे ब्रेड लगा, मक्खन लगाया यानी कि घी लगाया, बटर लगाया। अब जो मेरे पास कीमा पड़ा हुआ है ना, मैं थोड़ा सा कीमा में इसमें डालूंगी। जितना आपको पसंद है आप उस हिसाब से डाल लें। मैं इतना डालूंगी कि ब्रेड कवर हो और टेस्ट अच्छे से आए। बल्कि रजब का महीना माशाल्लाह शुरू हुआ हुआ है, आज कितनी, आज 11 के 12 तारीख है माशाल्लाह से। बस समझे कुंडे भागे भागे आए, कुंडे आए तो समझो शबरात आई, शबरात आई तो समझो रोजे आए। बस अल्लाह की इबादत के महीने शुरू हुए हुए हैं। ग्रिल पैन को मैं रख लूंगी कुकर के ऊपर, फैन भी ऑन कर दूंगी और मैं इसमें डालूंगी चीज स्लाइस भी, और चीज स्लाइस को मैं मिडल में से काट के तो फिर इसको लगाऊंगी। ये एनजी रख दूंगी, एनजी ठीक है। अब इसको मैं पैन के अंदर रख दूंगी, बच्चों ने अंदर खप डाली और बटर वाली साइड बाहर रखूंगी, बटर वाली साइड बाहर रखूंगी इस तरह जिस पे बटर लगाया, और दूसरी साइड अंदर कर दूंगी। अब इसको ना मैं प्रेस करूंगी चम्मच के साथ, ये अच्छे से जुड़ जाएगी ब्रेड। कई लोग अंडे में भी डिप कर लेते हैं अगर इस तरह का सैंडविच बनाए तो, लेकिन मैं अंडे में डिप नहीं करती। बस इस तरह ना मैं इसको हल्के हल्के से फोक से भी साइड से प्रेस करती जाऊंगी ताकि ब्रेड अच्छे से जुड़ जाए। ब्रेड गर्म होगी तो खुद ही बखुद जुड़ जाएगी थोड़ा प्रेस करने से। इसको एक साइड से बनने देते हैं, जब बन जाएगा तो फिर आपको दिखाती हूँ। इतनी आज मजे की बातें हो रही थी उस्मा के साथ, इतनी मजे की बातें हो रही थी शायद भाई के साथ। उस्मा की थोड़ी तबीयत खराब है, दवाइयाँ लेके आई है तो, लेकिन आज गपशप उनसे हुई है तो वही बातें कर रही थी। मैंने बोला पहले शॉल लै लै नहीं तो सीजन मुक जाना है, दूजिया ने लै लै के आहो। तो अभी बस ये एक साइड से हो जाएगा ना, जब मैं देखूंगी कि अच्छे से टोस्ट हो चुका है जो कि नाइसली हो रहा है,
फिर इसकी साइड चेंज करेंगे तो फिर इसको दबा दबा के ना अच्छे से बंद कर लेंगे। बस जी वो जो दो भाइयों की तबीयत खराब है, अल्लाह उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, उनको उनके बच्चों के सरों पे अल्लाह सलामत रखे। आजकल बीमारी का कुछ नहीं पता चलता, दुख सुख आए खैर का आए, बस ये दुआ किया करें कि खैर खरीयत वाला हो दुख सुख। ये देखिए अब ना मेरी ब्रेड बिल्कुल अच्छे से जुड़ गई है, तो मेरे ख्याल से दूसरी साइड से हो भी गई है। अभी नहीं तो अभी हो ले, फिर इसकी साइज चेंज करूंगी और आपसे गप्पे शप्पे लगाऊंगी। कल हलवा बनाया, बहुत 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 मज़े का बना, इतनी क्रेविंग हो रही थी, पता नहीं तबीयत खराब थी तो, लेकिन खा के ये होम रेमेडीज खा के भी ना मेरी आवाज़ पहले से बेटर हुई है। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इतनी दुआओं का, इतनी केयर का। आप लोगों ने उस्मा शाहिद को भी फ़ोन करके मैसेज किए कि इरम को बोले रेस्ट करे, इरम आपी को बोले रेस्ट करे, तो वो आपके मैसेजेस उस्मा से मुझे मिलते रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी केयर करते हैं, क्योंकि उनका नंबर आप लोगों के पास था। क्योंकि उस्मा शाहिद का नंबर आप लोगों के पास था, मेरा नंबर जिनके पास नहीं था, उन्होंने बहुत 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 केयर करके उस्मा शाहिद को मेरी तरफ से मैसेज दिए कि इरम को बोलो ये करे, इरम को बोलो चार दिन रेस्ट कर ले। आप सबके मैसेज मुझे बड़े अच्छे तरीके से उस्मा पहुंचाती रही है, देती रही है और बताती रही है कि बाजी कौन किस तरह, आपकी कौन किस तरह, आपको क्या बोल रहा है, आप इस तरह लोग बोल रहे हैं, तो वो हर चीज माशाल्लाह से बताती रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इतनी केयर का, कि आप इतनी केयर करते हो, इतना ध्यान रखते हो, यही एक फैमिली का होता है। हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, मिले नहीं है, आपका और मेरा कनेक्शन यूट्यूब के थ्रू है, तो बस ये कनेक्शन माशाल्लाह से इसी तरह बरकरार रहेगा। आपका और मेरा जो फैमिली का बना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, सैंडविच भी मेरा रेडी हो चुका है, प्लेट यूज करेंगे। बहुत अच्छा क्रिस्पी सा बना है। ये देखिए अभी मैं इसको कटूंगी, कटबड़ के आपको दिखाऊंगी, कटबड़ के ये आपके सामने ही इसकी कटिंग करूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से मज़े मज़े का यमी यमी सा सैंडविच रेडी है आपके सामने। एक इसका बाइट लूँगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए बिस्मिल्लाह। बहुत गर्मा, बहुत मज़े का। तो चलिए बाकी की बातें आपसे करूँगी फिर, आपसे लेती हूँ ज़्यादा। एकदम आप ही को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दो में आप हर वक्त मेरे साथ होते, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। लव यू मॉम फैमिली, अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़।